रियलिस्टिक एडिटिंग सीखना चाहते हो तो भाई लोग वीडियो को यार फुल वॉच करें। सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बी अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो सारे, आई होप आप सारे मस्त होंगे। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में तुम्हारा भाई सिखाने वाला है रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग। गाइस वीडियो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, तो आप फोटो भी देख सकते हो, फोटो भी कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो गाइस इसका हम बिफोर आफ्टर की बात करते हैं। तो गाइस बिफोर था हमारा ये था हमारा बिफोर, कितना बेकार फोटो था, ये था हमारा आफ्टर। और गाइस रियलिस्टिक देख सकते हो, और गाइस में हेयर की लेंथ वगैरह देख सकते हो बिल्कुल रियलिस्टिक। तो गाइस यहाँ पर वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक नहीं करता है लाइक कर देना, जो भाई चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, वो जो साइड में घंटा यार उसे जरूर दबाना। तो यार वीडियो को यार फुल वॉच करना, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लास्ट डू इट। ओके गाइस यहाँ पर हमने मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पर एप्लीकेशन दिख रही होगी ऑटोडेस्क स्केचबुक, इसमें हम एडिटिंग करने वाले हैं। पहले तो हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो वेट करने के बाद ये गाइस हमारी बैकग्राउंड अच्छे की है, तो ये हमारे बैकग्राउंड क्रिएट करी थी जो गाइस करी थी तो मैंने रियलिस्टिक एडिटिंग उसमें यूज़ करा था। इसका लिंक तो हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जाकर डाउनलोड कर लेना बहुत आसान तरीके से। तो गाइस यहाँ पर हम ओपन करते हैं, फोटो ले आते हैं अपना। तो यहाँ पर आपको इस वाले टूल से वाले टूल पर ओपन करना है, यहाँ पर मिल जाता है गाइस आपको इनपुट इमेज का ऑप्शन। तो इनपुट इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी फोटो ले आते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारी फोटो आ चुकी है, तो फोटो आने के बाद यहाँ पर करने हैं राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी फोटो बिल्कुल सेलेक्ट हो चुकी है। जिस भाई को बैकग्राउंड करना नहीं था उस पर गाइस तो हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है पर उसका लिंक तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आई बटन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना बैकग्राउंड ड्रेस कैसे करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड ड्रेस हो चुका है। तो होने के बाद गाइज जो हमारा ये वाला पार्ट था ये गाइज हमने रिमूव नहीं करा है, ये हम अभी रिमूव करेंगे। तो बता देते हमारे भाई कैसे रिमूव करना है। सो गाइज आपको जाना है तीसरे वाले टूल्स पर, पेंसिल वाले गन पर जाना है, टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको इरेज का ऑप्शन मिल जाता है लेयर पर, यहाँ पर ये वाला पर टैप करना है। टैप करने के बाद सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाने के बाद इसका गाइस अमाउंट आपको कम कर देना है। तो कम करने के बाद गाइस आप सेटिंग देख लेना जो सेटिंग कर रखे दोनों भाई ने। ओके तो यहाँ पर आपको साइज छोटा बड़ा करके आपको इरेज कर लेना है प्रॉपर। सो गाइस आपको ऐसे ऐसे करता रहना, तो आपके हेयर भी बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगे, बिल्कुल रियलिस्टिक करने वाले हैं। तो गाइस सब कुछ तुम्हारा भाई रियलिस्टिक ही बताने वाला है, एक एक प्रॉपर बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा जिस भाइयों ने, तो यार आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन डाल देगा। स्क्रीन पर भी यूज़र नेम मेरा कोई यसिन मिस्ती, तो जरूर के फॉलो करो यार अपने भाई को। माते तो हमारा भाई एडिंग सेटेड नए नए मैनिपुलेशन फोम सेट वगैरह अपलोड करता रहता है, बहुत अच्छी पिक्चर है। अभी आपको फोटो अच्छी लग रही हो उसका टोटल चाहिए, आप डीएम कर सकते हो, उस फोटो का टोटल तुम्हारा भाई जरूर ले आएगा। आपके लिए चैनल क्रिएट कराया यार आप बोलोगे वही भाई तुम्हारा भाई एडिटिंग ले आएगा। तो गाइस आप डीएम कर सकते हो अपने भाई को, जो भी प्रॉब्लम आई हो एडिटिंग से रिलेटेड तो आप डीएम कर सकते हो, तुम्हारा भाई जरूर रिप्लाई करेगा आपका प्रॉब्लम का। ओके गाइस सॉल्यूशन तुम्हारा भाई जरूर देगा। तो गाइस हमने इरेज कर लिया है, तो इरेज करने के बाद अब इसको बिल्कुल रियलिस्टिक एडिटिंग लग रही है हमारी। एडिटिंग लगने के बाद गाइस जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा पार्ट था वो हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे गाइस हमारे यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, थोड़ा बहुत हो जाता है, गलती हो जाती है, तो गाइस हम इनसे रिकवर कर लेंगे। तो गाइस मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर लिया है, तो रिमूव करने के बाद गाइज हमारे यहाँ पर प्रॉपर एडिटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी एडिटिंग होने के बाद गाइज जो आता है इस पर गाइज आता है फेस स्मूथिंग। तो गाइज मैं तुम्हारा भाई नहीं बताने वाला, उस पर गाइज प्रॉपर वीडियो बना रखे, उसका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आई बटन में लिंक है, फेस स्मूथ कैसे करते हैं बिल्कुल प्रॉपर वीडियो बना रखे स्टेप बाई स्टेप, आप वीडियो को वॉच करना। तो गाइज ये वाली वीडियो वॉच करने के बाद तो गाइज हम इस फोटो को कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद गाइज हमारा इस एप्लीकेशन का काम होता है खत्म। अब चलते हैं गाइज लाइटरूम में, इस फोटो को ऐड करते हैं। गाइज यहाँ पर हमने लाइट रूम में तो फोटो ऐड कर लिया, तो ऐड करने के बाद गाइज आपने रियलिस्टिक एडिटिंग तो कर लिया, बस गाइज आपको रियलिस्टिक टोन और डालनी है जब आपका रियलिस्टिक फोटो लगेगा। तो वीडियो का यार फुल स्टेप बाय स्टेप आप वॉच कर सकते हो। ओके गाइज तो यहाँ पर आप देख लेना स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज हम शैडो को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर गाइज शैडो को हम बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखते हो बिफोर आफ्टर थोड़ा सा रिकवर हो जाता हमारा फोटो। सो गाइज में हाईलाइट जाता है तो हम इस हाईलाइट को थोड़ा डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ऐड करेंगे फोटो में, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर सही है। ब्लैक को हम थोड़ा माइनस करेंगे, ज़्यादा हमारी फोटो में लाइटिंग है, तो लाइटिंग करने के बाद आप देख सकते हो सही है हमारा फोटो। तो फोटो सही करने के बाद आप हम जाएंगे कलर्स में, इसमें नीचे वाले में टूल्स में जाएंगे थर्मामीटर वाले ऑप्शन में, थर्मामीटर वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम वाइब्रेंस बढ़ा देंगे। तो वाइब्रेंस आपको बढ़ाने के बाद आपको जाना है मिक्स टूल में, मिक्स टूल में आने के बाद गाइस जो हमारी येलो कलर थी इसे हम सैचुरेशन को डाउन कर देंगे, ग्रीन कलर की भी सैचुरेशन डाउन, स्काई ब्लू की भी सैचुरेशन डाउन। ओके गाइस तो हम ब्लू कलर पे जाएंगे, इसकी गाइस हल्की सी सैचुरेशन डाउन करेंगे बस हल्की सी। गाइस यहाँ पर हम टोन देखते हैं, यहाँ पर हमारा थोड़ा सही लगेगा कपड़ों का कलर, यहाँ तक हमारा रिकवर हो चुका है बिफोर आफ्टर, तो सही लुक आ चुकी है। गाइस हम जाएंगे यहाँ पर
ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे ऑरेंज वाले में जाने के बाद इसका लूमिनस बढ़ा देंगे। लूमिनस बढ़ाने के बाद जो गाइस हमारा फेस थोड़ा डार्क था वो हमारा थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। सो गाइस हम इसकी सैचुरेशन करेंगे डाउन हल्की सी, तो सैचुरेशन डाउन करने के बाद डन क्लिक कर देंगे। गाइस आपको जाना है नीचे वाले ऑप्शन में, नीचे वाले ऑप्शन में जाने के बाद इफेक्ट मिल जाते हैं, तो इफेक्ट मान लेने के बाद यहाँ पर हम क्लियरिटी को ऐड करते हैं इस फोटो में। तो यहाँ पर क्लियरिटी को थोड़ा ऐड करने के बाद गाइस हमारे फोटो में थोड़ी अच्छी सी लुक आ जाएगी। अच्छी लुक आने के बाद गाइस हम बिगिनेंट को हल्का सा जस्ट माइनस करेंगे, थोड़ा सा हमारा ब्लैक डार्कन हो जाए फोटो। तो ब्लैक डार्कन होने के बाद गाइस इसमें डाल लेते हैं हमने थोड़ी ब्लू सी टोन। तो ब्लू टोन आपको कैसे डालनी है गाइस, हमारा फोटो तो बिल्कुल रिकवर हो चुका है अच्छे तरीके से, थोड़ा और मैच कर लेते हैं गाइस। हमारा ये पार्ट दिखाता है तुम्हारा भाई कौन सा पार्ट हमारा मैच हुआ है। गाइस हमारा जस्ट ये पार्ट मैच हुआ है, अभी नीचे वाला पार्ट हमारा बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ है। तो ये हमें मैच करना है बैकग्राउंड से, तो कैसे मैच करना है आपको जाना है नीचे वाले ऑप्शन में। या गाइस यहाँ पर मिलता है स्लिप टोन का ऑप्शन, तो स्लिप टोन पर आप टैप करना। टैप करने के बाद गाइस हम फोटो को हाईलाइट है जो गाइस आपका पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर हाईलाइट, और दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर शैडो। तो शैडो को गाइस हम बाद में करेंगे, पहले गाइस हाईलाइट को ले जाएंगे हम स्काई ब्लू की ओर। तो यहाँ पर हम स्काई ब्लू की ओर लेने के बाद हल्का सा गाइस जहाँ पर आपको सही लगे टैप करने के बाद वहीं पे आप ब्रश को रोक सकते हो। सो गाइस यहाँ पर हमारे सही लग रहा है बिल्कुल बिफोर, ये देख सकते हो गाइस बिफोर, ये देखो आफ्टर। थोड़ी गाइस पहले हमारे फोटो में येलो टोन थी, अब गाइस थोड़ी स्काई ब्लू टोन हो चुकी है। गाइस हम शैडो को भी हल्का सा ले जाएंगे, तो शैडो को ले आने के बाद गाइस हम यहाँ पर स्काई ब्लू पर टैप करेंगे। ड्रॉ टैप करने के बाद यहाँ पर शैडो हो चुकी है गाइस, हमारी शैडो और हाईलाइट बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं, बैकग्राउंड से मैच हो चुके हैं। अब गाइस नीचे आप देख सकते हो बिल्कुल ये गाइस हमारा जीना सा था, ये हमारा ब्लैक था, ये हमारा स्काई ब्लू में चेंज हो चुका है। तो बिल्कुल डन क्लिक हो चुका है। डन क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस फोटो को हम थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद गाइस हमें शार्पन ऐड करेंगे, शार्पन ऐड करने के बाद गाइस थोड़ा सी मास्किंग टूल को ओपन करेंगे। बस गाइस ये थे हमारे टूल जो हमने कर लिए हैं एडिटिंग। गाइस एडिटिंग भी वैसे पूरी हो चुकी है, अब गाइस थोड़ी और रियलिस्टिक एडिटिंग कर लेते हैं नीचे से। ओके, तो नीचे से आपको कैसे करना है, हमें करना है सेलेक्टिव वाला ऑप्शन का यूज। तो यहाँ पर मिल जाता है वाला सेलेक्टिव वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, फर्स्ट ऑप्शन पर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस मिलता है आपको प्लस आइकन, तो प्लस आइकन पर आप टैप कर सकते हो। टैप करने के बाद गाइस तीसरी वाली लेयर लेना, तीसरी लेयर लेने के बाद गाइस आपको नीचे से ऊपर की ब्रश लाना है। तो ब्रश लाने के बाद यहाँ पर गाइस आपको जाना है लाइटिंग वाले में, आपको गाइस ये वाला ऑप्शन चूज करना है एक्सपोजर गाइस हल्का सा लेंगे हम माइनस की ओर लेने के बाद गाइस हम यहाँ पर थोड़ा डार्क कर देंगे एरिया जो गाइस नीचे से बिल्कुल हमारा रियलिस्टिक लगे। ओके, बिफोर आफ्टर, तो सही लुक आ चुकी है। तो सही लुक आने के बाद गाइस जो हमारा नीचे था ना ये सड़क थी, ये गाइस थोड़ी येलो सी लग रही है, सभी हम गाइस बिल्कुल माइनस करने वाले हैं। तो गाइस फिर से हम सेलेक्टिव वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद नीचे वाले पे ऐसे करेंगे वाला स्टेप। ये स्टेप जाने के बाद गाइस ये ब्रश आपको थोड़ा हल्का सा नीचे लाना है, नीचे लाने के बाद अब गाइस जाना आपको थर्मामीटर वाले ऑप्शन में। थर्मामीटर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन को हम माइनस कर देते हैं, तो सैचुरेशन हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद गाइस हमारी फोटो तो बिल्कुल रियलिस्टिक हो चुकी है, देख सकते हो आप बिफोर, ये देखो आफ्टर। गाइस नीचे से आप देख सकते हो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, यहाँ से देख सकते हो यार बिफोर, ये गाइस आफ्टर। तो गाइस सही लुक आ चुकी है हमारी, पता भी नहीं लग रहा गाइस हमने बैकग्राउंड रेज करा है या नहीं करा है बैकग्राउंड रेज। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर, ये देखो गाइस बिफोर, और ये था हमारा आफ्टर। तो सही लुक आ चुके, टोन भी तुम्हारा भाई ने बता दिया, और गाइस बिल्कुल भी हमारी क्वालिटी का लॉस नहीं हुआ है यार। आप देख सकते हो बिफोर, ये देखो आफ्टर, तो बिल्कुल भी हमारा क्वालिटी का लॉस नहीं हुआ। बस गाइस में एक दिक्कत है फेस मूविंग की, वो गाइस तुम्हारा भाई ने प्रॉपर रिकवर वीडियो बना रखी है, वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, आप फेस मूव कर सकते हो बिल्कुल, आपकी फोटो और रियलिस्टिक हो जाएगी। तो गाइस यहीं तक थी हमारी वीडियो, वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वेल लाइक कॉमेंट शेयर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड बाय, ऐसी एडिटिंग करते रहो, आई लव यू ऑल।